है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है। अगर आप मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आउटकम आते हैं उन आउटकम में मान लो एक आउटकम सेट ऑफ आउटकम है, छोटे छोटे आउटकम का क्या है सेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे मान लो हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो 3 बार जब आप टॉस कर रहे हो, ठीक है, 3 बार आपने टॉस किया, 1 2 3 तीन बार टॉस किया, तो हमारे पास मान लो एग्जांपल के लिए हेड 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 आया, ठीक है, ये आता है, या ये हो सकता है क्या आ जाए हेड हेड टेल आ जाए, या क्या हो सकता है बोलो हेड टेल टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है, यही पॉसिबल आउटकम है जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो। लेकिन जब आप, मैं बात कर रहा हूं जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो जो हर बार एक आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हो सकता है टेल आया, तीसरी बार में हेड आया। तो हम अब तक जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं उनमें हमने कभी इंडिविजुअल आउटकम पर ध्यान नहीं दिया है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम क्या करते थे, ओवरऑल आउटकम लेते थे। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो तो हम क्या बोलते थे कि सैंपल स्पेस ये है, ठीक है। लेकिन कभी हमने ये ध्यान दिया कि अगर पहला हेड आया तो दूसरा क्या होगा? नहीं, ऐसा तो हमने कभी लिया नहीं। तो अब अगर हम इंडिविजुअल को अगर हम देखना स्टार्ट करें तो क्या होगा? तो आंसर ये है कि देखो, मैं एक कॉइन को अगर 1 बार टॉस करूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं 10 बार करूं तो, 10 बार करूं तब क्या होगा? तो जब आप एक बार जब मैं कहता हूं टॉस किया था, तो आपने फटाफट से बता दिया कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन मैंने जैसे ही कहा 10 बार करूं तो एक कॉइन को 10 बार अगर करोगे तो हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से 7 टाइम हेड आया। एक कॉइन को ही 10 बार आपने क्या किया, टॉस किया, और उसमें 7 टाइम क्या आ गया, हेड। अब मैंने दूसरे बच्चे को भी सेम टास्क दिया, उसको मैंने बोला 10 बार टॉस करो, उसने टॉस किया तो 3 ही बार हेड आया और 7 टाइम क्या आ गया, टेल। तीसरे बच्चे ने किया तो हो सकता है कि उसका 8 टाइम्स हेड आया हो और 2 बार टेल। अब हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही है सेम आउटकम के लिए, हेड के लिए मैंने आउटकम क्या बनाया है, हेड। तो आपने किया 10 बार टॉस तो आपके लिए 7 टाइम आया, इसके पे 8 टाइम आया, किसी पे 2 आया, किसी पे 3 आया। तो हेड होना, सिर्फ हेड होना हर बार कैसा आउटकम दे रहा है, डिफरेंट, हर बार उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल है। इसलिए हम एक हेड का आना क्या कहेंगे, ये क्या रखता है, एक रैंडम वेरिएबल है। कैसा है, रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हर बार उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि सब बच्चों ने टॉस किया 10 बार और हर बार 7 टाइम ही हेड आया, सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट इज अबाउट कि अगर मैं 50 बार टॉस करने के लिए दे दूं तो तब भी क्या एक फिक्स नंबर आएगा, हर बार सब बच्चों के लिए सेम आएगा क्या? 50 बार टॉस करना और उसमें हेड काउंट करने है। तो किसी बच्चे के 20 बार आए 50 में से, किसी का 30 बार आ गया, किसी का 40 को भी पार कर गया, 40 प्लस आ गया, 45 टाइम हेड आ गया किसी का, पॉसिबल है या नहीं है? होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हर बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने पर हर बार एक सेम आउटकम के लिए क्या आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो क्या आप किसी आउटकम को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो, कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर सकते हो? तो आंसर है नो, कभी नहीं कर सकते। सिर्फ हम तब कर सकते हैं जब वो इक्वली लाइकली आउटकम था, जैसे एक बार टॉस करने पर हेड सिर्फ कितनी बार आएगा, 1 बार, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, 2 बार टॉस करना, 3 बार टॉस करना, 4 बार टॉस करना, तो हेड के आने का रैंडम वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबिलिटी चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू की। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं हेड का आना 3 बार टॉस करने पर, ठीक है। तो मैंने टॉस किया, टॉस करने पर तीनों में से 1 भी बार हेड नहीं आया, और इस हेड का आने का मैंने थोड़ी देर के लिए नाम रख दिया है, मान लो एक्स।
एक्स यहां पर क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल। अब मैंने तीनों बार टॉस किया और एक भी बार क्या नहीं आया, हेड नहीं आया, यानी कि कौन सा वाला आउटकम आया होगा, टेल 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 आया होगा। तो इसका लिए एक्स की वैल्यू इस केस में क्या दोगे आप, जीरो असाइन करोगे इसे, क्या असाइन करोगे, जीरो। कि ये वो आउटकम है जिसमें हेड का आने को हमने क्या वैल्यू दी है, जीरो, एक भी बार नहीं आया। ये बात समझ में आ रही है, लेकिन हाथ में आपके देखो अभी भी कॉइन है लेकिन एक भी बार हेड नहीं आ रहा है, जबकि एक बार टॉस कर रहे थे तो पक्का था कि या तो हेड आएगा एक बार या टेल आएगा, लेकिन जैसे ही तीन बार किया तो ऐसी भी सिचुएशन आई जिसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा, यस। तो उस केस में हमारे एक्स के लिए क्या वैल्यू हो गई, जीरो। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू वन हो, इस बात का क्या मतलब है कि मैं तीन बार टॉस करूंगा तो उनमें से कभी एक बार हेड आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाले आउटकम की हम बात करें, इस आउटकम की हम बात करें, या हम इस आउटकम की बात करें, ये तीनों आउटकम ऐसे आउटकम हैं जिसमें जो हमारा हेड है वो सिर्फ कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो अब आपके लिए जो एक्स की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, वन। अब आपने ये वैल्यू असाइन कर दी इसको, ठीक है, ये वो आउटकम है जिसमें एक्स इक्वल्स टू वन है। और क्या पॉसिबिलिटी है इस आउटकम, इसके लिए, इस इवेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकते हो, तो आंसर एक्स इक्वल्स टू टू, ऐसे आउटकम जिसमें हेड दो बार आ रहा हो, ठीक है। और भी असाइन की जा सकती है, एक्स इक्वल्स टू क्या, थ्री, जिसमें तीनों बार हेड आया हो, ठीक है। तो अभी तक की प्रोबेबिलिटी जितनी भी आपने पढ़ी है, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में जब तक आप आए हो, तब तक आप कभी भी इस बात को में इंटरेस्टेड रहे ही नहीं कि हेड कितनी बार आ रहा है, सिंगल में हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है, नो। लेकिन अब आपने गौर करना स्टार्ट किया तो आपको ये बात समझ में आई कि जब मैं इंडिविजुअली जब टॉस करता हूँ, जब मैं कोई टॉस करता हूँ तो टॉस करने पर जो इंडिविजुअल इवेंट है उसकी, उसका नंबर भी हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आउटकम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका नंबर भी चेंज हो रहा है, उसके लिए जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर हेड के लिए वैल्यू कितनी है, थ्री है, लेकिन यहाँ पर कितनी रह गई है, वो टू रह गई है, यहाँ पर आते आते जीरो रह गई है, यहाँ वन है ना। तो ये वैल्यू हेड के लिए चेंज हो रही है, समझ आ रही है बात। तो इसी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है इसीलिए ये क्या कहलाएगी, वेरिएबल। और ये एक्सपेरिमेंट में कभी भी पहले आ सकती है, कभी भी बाद में आ सकती है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, रैंडम। क्या कहलाएगी, रैंडम। जैसे आपने तीन बार टॉस किया तो हर बार ये पक्का होता है कि पहली बार में हेड 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 ही आएगा, नहीं ना, कोई भी वैल्यू पहले आ सकती है ना, हो सकता है टू आ जाए पहले, हो सकता है जीरो आ जाए पहले, हो सकता है थ्री आ जाए पहले, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो इनकी वैल्यू वेरिएबल होंगी और दूसरा रैंडम होंगी, तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, रैंडम वेरिएबल। ये समझ आ गया, ठीक। अब हर बार हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग होती होगी, हाँ या ना। जैसे एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो, एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब यह है कि जिसमें हेड एक भी बार ना आया हो, और हेड एक भी बार ना आया हो ऐसे कितने इवेंट हैं, ए वन है, और टोटल कितने हैं, एट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बाय एट। अब एक्स इक्वल्स टू वन का मतलब है हेड कम से कम एक बार आया हो, तो वो कितना में मिल रहा है, वन टू और थ्री, तीन मिल रहे हैं। तो यानी कि एक्स इक्वल्स टू वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थ्री बाय एट। टू के लिए आप चेक कर रहे हो तो वहां पर भी आपको कैसे कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू टू के लिए आपके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, थ्री बाय एट। और थ्री, तीन बार हेड आ रहा हो तो ऐसा x इक्वल्स टू कितना, थ्री, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन बाय एट। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब ओवरऑल एक समरी बना लो, कोई भी आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है, इस सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम आ रहे हैं, उन आउटकम के भी अंदर जो एक इंडिविजुअल आउटकम है, उस इंडिविजुअल आउटकम की वैल्यू हर आउटकम के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए उसे वेरिएबल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के टाइम पर वो रैंडम होती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। हर रैंडम वेरिएबल के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आपको एक खास बात दिखाई देगी इस टाइम बोर्ड पर, वो क्या सर,
कि ये जितने भी यहाँ पर x की वैल्यू थी, मतलब x की वैल्यू का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, हेड के आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि एक भी बार ना आए, एक बार आए, दो बार आए या तीन बार आए। इनकी जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो उनके अंदर एक खास बात थी, वो क्या कि यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली गई है अगर मैं इनको सम कराऊँ, 3/8, 3/8, 1/8, तो इनका जो सम है अगर आप ध्यान दोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये बात आ गई समझ में? तो इस सैंपल स्पेस के लिए x इक्वल्स टू हेड एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी कहलाएगा, मैं आपको यहां पर डेफिनेशन बताता हूं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द सिस्टम ऑफ नंबर सच दैट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी वहां निकाली गई उनका सम कितना आना चाहिए, 1। तो हम कहेंगे वहां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मान लो आपके पास x की कुछ वैल्यू है, x1 x2 xn तक, उनकी ये प्रोबेबिलिटी है p1 p2 pn। तो अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम कराओ तो उसका आंसर अगर 1 के इक्वल आ गया तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर x के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1 में से। मतलब समझ रहे हो कि यहां पर ये इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है। उस 1 में से हमने कुछ पार्ट इसको दे दिया है, कुछ प्रोबेबिलिटी इसको दे दी है, कुछ प्रोबेबिलिटी इसको दे दी है, कुछ इसको दे दी है। और अगर इनकी इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कराओगे तो आंसर ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 1। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्स के लिए हम जब भी एक्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल जब लिखते हैं तो दरअसल हम प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे होते हैं। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी रहेगी, 1। अब जरूरी नहीं हेड की बात करो, आप टेल की बात करो, आप किसी की भी बात करो, ठीक है, आप किसी की भी बात करो, उस सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। और हम उसके जितने भी रैंडम वेरिएबल होंगे उनमें हम प्रोबेबिलिटी का क्या करा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं दरअसल। ठीक है, ये बात आ गई आपको क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे इस एक्सरसाइज का, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है, इसमें आप देखो उसने कहा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 0, 1 और 2, ठीक है, और इन रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी के आंसर्स हैं 0.4, 0.4 और 0.2। ये हैं, वो कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, हमारा जो भी रैंडम वेरिएबल होगा उसकी इन वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब हमें पता है कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं उन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, क्योंकि 1 में से ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा इन रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, तो अगर इनका सम 1 के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हमारा जो सम आ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो यस, जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर यस में दोगे आप। अगर 1 के इक्वल नहीं आता है तो आप कहोगे नो, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, अब हम रैंडम वेरिएबल को लिखना भी सीख सकते हैं। देखो कैसे सीखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल। कुछ आपके पास बच्चों रेड बॉल्स हैं, ध्यान दीजिए कितनी है, 5, और आपके पास कुछ ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, ब्लैक बॉल्स कितनी है, 2। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, सुनो ध्यान से, एक्स जो है वो किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। अच्छा, 2 बॉल निकाली जा रही हैं, ये ध्यान रखना, उसमें कुछ तो हमारे पास रेड बॉल हैं और कुछ कितनी है, ब्लैक बॉल है, ठीक है, ब्लैक बॉल कितनी है, 2 है। अब टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 7 है, उस 7 में से 2 बॉल निकाली जा रही हैं, ठीक है।
अब मान लो आपने बॉल निकाली, दो बॉल, वो दोनों बॉल हैं, सपोज करो रेड निकल कर आ गई तो आया ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली रेड आ जाए और दूसरी ब्लैक आ जाए, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्या आ जाएं, ब्लैक आ जाएं, मतलब ऐसा भी कह सकते हो एक ब्लैक एक रेड, उससे पहला और दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि उसमें एक रेड एक ब्लैक रहेगी, ठीक है। तो जब मैंने दो बॉल निकाली तो दोनों रेड आ सकती हैं, एक रेड और एक ब्लैक आ सकती है, और या दोनों ब्लैक आ सकती है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? सोचो, कुछ और नहीं हो सकता। तो अब हमारे इस केस में एक्स की वैल्यू यहां जब आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल यहां पर कितनी है? जीरो। यहां नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है? वन। यहां पर टू। तो इसका मतलब ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, इसको मैं कौन कौन सी वैल्यू असाइन कर सकता हूं? तो आंसर है जीरो, वन एंड टू। ये समझ आया? इस तरह से क्लियर है। इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल? क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है? आंसर है यस, ये एक रैंडम वेरिएबल है क्योंकि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर पा रहे हो। हर बार अगर सेम ही वैल्यू आ रही होती तो ये रैंडम वेरिएबल नहीं होता। दिस इज रैंडम वेरिएबल क्योंकि हम हर बार हमारा जो एक्स है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से नेक्स्ट आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम, कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है? सिक्स टाइम। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? तो आंसर है कि ऐसा हो सकता है कि छह बार टॉस करने पर छह के छह बार हेड आया हो और टेल एक भी बार ना आया हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तब सिक्स माइनस जीरो क्या आंसर आएगा डिफरेंस का? सिक्स। कितना आएगा? ये बात समझ में आती है? क्लियर। दूसरा, हेड आया हो पांच बार और टेल आया होगा उस केस में कितनी बार? एक बार। तब डिफरेंस का आंसर कितना आ गया? फोर। फाइव माइनस वन कितना? फोर। तो ये वैल्यू भी असाइन की जा सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आया हो चार बार और ये आया होगा उस केस में कितनी बार? दो बार, क्योंकि टोटल सिक्स है ना, तो ये चार बार आया हो तो ये दो बार। तो एक्स की और पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या है। या ऐसा हो सकता है कि ये तीन तीन बार आ गए हो दोनों, आया ना, ऐसा भी हो सकता है। तब उस केस में एक्स की वैल्यू क्या बन गई बोलो? थ्री माइनस थ्री कितनी? जीरो। और कुछ पॉसिबल वैल्यू बन सकती है डिफरेंस की? जो मैंने हेड के साथ किया वो टेल के साथ भी सेम बात ही है, जैसे टेल छह बार आया, ठीक है, तब हेड कितनी बार आया होगा? जीरो। तो सिक्स माइनस जीरो सिक्स। अब आप माइनस सिक्स मत सोचना, नंबर की बात हो रही है, नंबर कितने बार है ना, तो नंबर कभी माइनस में नहीं होता। तो जीरो माइनस सिक्स भी कितना? सिक्स। तो यही नंबर आएंगे, आप कुछ भी करके देख लो। तो जो पॉसिबल जो वैल्यू मिलेंगी हमें हमारे रैंडम वेरिएबल के लिए वो क्या क्या होंगी? जीरो, टू, फोर एंड सिक्स। क्लियर है ये बात? इस तरह से आप इनकी वैल्यू असाइन कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखोगे, जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टू टॉस ऑफ अ कॉइन। देखो ध्यान दो, टू बार टॉस करना है, पहले सैंपल स्पेस लिखवाओ, दो बार टॉस करते हैं तो क्या क्या बनता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। और आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। अब आपके पास एक्स क्या है बच्चों बोलो? नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अब नंबर ऑफ हेड के लिए वैल्यू आपको असाइन करनी है, तो जैसे मान लो हमारे सैंपल स्पेस में से इसकी बात करें हम, इसकी बात करें एच एच, तो इसमें हेड दोनों बार आया तो इसलिए क्या वैल्यू दोगे आप इसे? टू। अच्छा, अगर हम बात करें हेड टेल या टेल हेड की बातें करें तो इन दोनों में ही जो हमारा हेड आया है वो कितनी बार आया है? एक बार। तो आप इसको क्या वैल्यू असाइन करोगे? वन।
या मैं कहूँ कि टेल टेल, ये वाला आउटकम की अगर आप बात करें तो एक भी बार हेड नहीं आया, तो फिर आप इसको एक्स को क्या असाइन करोगे, जीरो, नंबर ऑफ हेड यहाँ जीरो है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यू। अब आपको लिखना है इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखकर दिखाता हूँ। पहले तो आप एक्स लिख लो, एक्स में क्या क्या है, जीरो वन एंड टू, ऐसे टेबल बनेगी और ये क्या है उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी। एक भी बार हेड ना आ रहा हो यानी टेल टेल आ रहा होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो, 1/4। एक ही तो आउटकम ऐसा है और टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। ये समझ आया? अच्छा, इसके बाद ऐसे कितने आउटकम हैं जिन पर एक बार हेड आ रहा है, तो आंसर 2 आउटकम ऐसे हैं और टोटल कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/4 या मैं कहूं 1/2। ये समझ आया? फिर 2 बार हेड का आना, 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, टोटल 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। सो ये जो आप टेबल बना के तैयार करोगे, दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन रैंडम वेरिएबल। ये समझ आया? इस तरह से करना है। तो ये मैंने आपको जो पार्ट करके दिखाया है, सिमिलरली सारे पार्ट आपके ऐसे करने हैं, 3 बार टॉस करने पर हेड के लिए क्या क्या वैल्यू होंगी, मतलब इस तरह से करना है। समझ में आ गया? तो पहले एक्स लिखना क्लियर है, नंबर ऑफ हेड आपको ईच आउटकम में देखना है, नंबर ऑफ हेड इसमें कितनी बार आया, 2 वैल्यू असाइन हो गई, इसमें 1 वैल्यू असाइन हो गई, इसमें 0, तो क्या क्या वैल्यू असाइन हुई है, 0, 1 और 2, ऐसे वैल्यू असाइन हो जाएंगी, फिर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देख लो, ठीक है। इस तरह से आप करा पाओगे बड़े आसानी से। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। एक्स क्या है बच्चों हमारे लिए, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉस ऑफ डाई, 2 टॉस ऑफ डाई में 36 केस होते हैं, ठीक है। तो जो इसका सैंपल स्पेस होता होगा वो आपको पता है कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ 1 1, है ना। इसके अंदर हमें x को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। x, ये बात माइंड में क्लियर रखें, x क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। अब हमारी ये जो आउटकम है इसमें नंबर, ऐसे भी आउटकम होंगे जिसमें नंबर ग्रेटर देन 4 आया ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, जैसे ये जो 1 1 है इसमें क्या नंबर ग्रेटर देन 4 आया है, नहीं। तो इसको आप क्या वैल्यू असाइन करोगे हमारे एक्स को, इस आउटकम के लिए, 0। समझ आ गई बात? अब जैसे इसमें क्या नंबर ग्रेटर देन 4 है, नहीं, तो यानी कि इसमें भी हमारा जो आउटकम, ये जो एक्स है ये नहीं आया एक भी बार, तो इसके लिए भी 0। तो ऐसे कितने आउटकम हैं, मतलब आप 0 असाइन कर सकते हो, एक तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर कुछ आउटकम ऐसे होंगे जिसमें एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा होगा, एक बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, जैसे ये 6 1 को अगर आप देखो तो इसमें एक बार क्या हुआ, नंबर ग्रेटर देन 4 आया। या इसको देखो, या इसको देखो, या इसको देखो, इसको देखो, ये इनमें एक बार क्या आया है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो यानी कि x को एक बार भी ऐसा हुआ है, एक कुछ तो ऐसे हैं जिनमें एक भी बार नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, तो क्या वैल्यू असाइन कर दी, 0। कुछ ऐसे हैं जिसमें एक बार नंबर ग्रेटर देन 4 आया, तो एक वैल्यू असाइन कर दी। कुछ ऐसे होंगे जिसमें दोनों बार ग्रेटर देन 4 आया, जैसे देखो ये 6 6, दोनों बार 4 से ग्रेटर आया, तो इसको कितनी वैल्यू असाइन करोगे, 2। तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हैं, 0 1 और 2, यही है। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी अब लिखोगे तो 0 का क्या मतलब है, जहां पर दोनों में से एक किसी पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आया हो, वो सारे हमें काउंट करने हैं। तो वो आप देख लो, यहाँ पर अगर देखते हो तो 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये मैंने नहीं गिना क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
फिफ्टीन सिक्सटीन, ठीक है, और बाकी तो और कोई नहीं बचा, इतने ही हैं। तो ये वो नंबर हैं, ये वो आउटकम है जिनमें फोर से ग्रेटर नंबर नहीं आ रहा है दोनों में से किसी पर भी। तो कितने आउटकम है, 16। तो यहाँ पर लिखोगे 16 और अपॉन में कितना 36। इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये फोर से कैंसिल करा दोगे, 4/9 आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब वन, वन का मतलब है एक नंबर ग्रेटर देन फोर आया हो, एक नंबर कोई सा। तो जैसे इसमें देखो एक नंबर ये ग्रेटर देन फोर है इन दोनों में से, तो ये हो गया हमारे लिए एक, और दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। अच्छा इधर आ जाओ, नौ दस, ये हो गया 11, ये 12, ठीक है 12, और ये 13 14 15 16। ये वो नंबर हैं जिनमें फोर से ग्रेटर केवल एक ही नंबर है, जितने मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाए हैं देखो, ठीक है 16 मिले। तो अगेन 16/36, या हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 4/9, ठीक। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं, ऐसे आउटकम देखने हैं जिसमें सम ग्रेटर देन 4 दोनों नंबर पर आया हो, ग्रेटर देन 4 होने चाहिए दोनों नंबर। तो देखो ये मिला एक, तो दो तीन चार, ये वाले आउटकम वो हैं जिनमें दोनों पर ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो कितने मिला, 4/36, या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/9 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लिया करो, सैंपल स्पेस लिखने के बाद जो भी आपका एक्स है, जो भी रैंडम वेरिएबल है, उसको ईच आउटकम में देखते जाओ कि क्या क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।